कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, वो रिपोर्ट ये जानने के लिए कि अगस्त 5 यानी कि जब जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया था उसके बाद से, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद थी, दुकानें भी काफ़ी देर तक बंद रही, तो उसके 120 दिनों तक इतना लॉस कश्मीर के बिजनेसमैन को झेलना पड़ा। केसीसीआई के प्रेसिडेंट शेख आशिक ने कहा कि ये डाटा कंपाइल करना बहुत ही मुश्किल टास्क था, उन्होंने एक टीम बनाई, उसके बाद 10 डिस्ट्रिक्ट्स का मुआयना किया, डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से बात की, चाहे वो टूरिज्म हो, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, उन सब से बात करने के बाद ये मालूम चला कि अगस्त 5 के बाद से 17,878 करोड़ का लॉस वहाँ कश्मीर के बिजनेसमैन को झेलना पड़ा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जॉब लॉसेस तक 4.96 लाख के करीब करीब हुई। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट राकेश गुप्ता, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू ने कितने लॉसेस सफ़र किए अगस्त 5 के बाद, और साथ ही में वो इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं। राकेश जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? राकेश जी, आपसे सबसे पहले तो यही समझना चाहूंगी कि ये जो रिपोर्ट कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलीज की है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहां तक लॉसेस की बात है, जो पोस्ट एब्रोगेशन 370 के 5 अगस्त के बाद हुआ, तो ये कश्मीर चैम्बर का एक ओवरऑल व्यू है जो एक्सपेक्टेड लॉसेस वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, मगर इससे हमारा काम बनने वाला नहीं, क्योंकि जो भी लॉसेस हुए हैं वो इंडिविजुअली किसका कितना लॉस हुआ है उसके लिए हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को अभी आग्रह किया है, लास्ट वीक की कम्युनिकेशन भेजा है कि एक पैनल का गठन किया जाए जिसमें हर बिजनेसमैन इंडिविजुअली अपना लॉसेस फाइल करे, रनिंग लॉसेस, चाहे वो रेंटल्स के शेप में थे या सैलरीज के शेप में थे या बैंक इंटरेस्ट के शेप में थे, क्योंकि जब भी ये लॉसेस कंपनसेशन की बात होगी तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन के लिए प्रूफ चाहिए। तो मुझे लगता है जब तक वो पैनल का गठन नहीं होगा ऐसे ही कुछ बयान देना ठीक नहीं रहेगा कि इतने हजार करोड़ का लॉस हो गया। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ऐसी कोई रिपोर्ट कंपाइल करने की कोशिश की है जिसमें एक्सपेक्टेड लॉसेस ही कम से कम फाइंड आउट किए जाए? देखिए, हमारा काम नहीं है वो, क्योंकि ये सरकार ने कंपनसेट करना है, हमने सिर्फ जो उसके लिए फॉर्मुलेट करनी चाहिए चीजें उस चीज का सुझाव सरकार को दे सकते हैं, क्योंकि जिसने कंपनसेट करना है उसी ने तय करना है कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए लॉसेस फाइल क्लेम करने का। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट ने यह तक कहा है कि क्योंकि वहां पर इंटरनेट नहीं चल रहा था इसकी वजह से ई कॉमर्स ने बहुत सफर किया, बिजनेसमैन को GST भरने में दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ पर तो जम्मू में क्योंकि ब्रॉडबैंड चल रहा था, क्या यहाँ पर भी ई कॉमर्स में उतनी ही दिक्कत आई है, ई कॉमर्स बिजनेसेस ने उतना ही सफर किया है, और साथ ही में GST भरने में क्या यहाँ पर भी बिजनेसमैन को उतनी ही दिक्कत आई है? देखिए, आजकल सिर्फ ब्रॉडबैंड पे ही निर्भर नहीं है इंडिविजुअल, आजकल स्मार्टफोन में GPRS यूज करके भी सारी ट्रांजेक्शन होती है, तो ओवरऑल पूरी जम्मू कश्मीर के लोगों ने सफर किया है, सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं कहूंगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने भी सफर किया है पढ़ाई के अकाउंट पे, तो इन चीजों से लेकिन मसला हल होने वाला नहीं। जो हमने लॉसेस क्लेम करने हैं वो इंडिविजुअली क्लेम होने चाहिए और उसका सरकार को पैनल जल्द से जल्द एक गठन करना चाहिए। साथ ही बात करेंगे टूरिज्म सेक्टर की, क्योंकि अगस्त 2 को एक एडवाइजरी इशू हुई थी जहां पर ये कहा गया था कि कश्मीर से जो टूरिस्ट है वो फिलहाल वैकेट कर दें। हम जब जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर की ओर देखते हैं तो ये मालूम चलता है कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो आता है वो टूरिस्ट नहीं बल्कि श्रद्धालु है, जो श्री माता वैष्णो देवी आता है, तो क्या अगस्त 5 के बाद से जम्मू के टूरिज्म सेक्टर ने भी सफर किया है या नहीं? देखिए, जब भी कोई एडवाइजरी या कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है जम्मू कश्मीर में कहीं भी, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट पूरी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ कश्मीर पे इसका असर पड़ता है, और माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु में काफी गिरावट आई उसमें, और यही लोग जो वैष्णो देवी आते थे हमारे श्रद्धालु, वही लोग हमारे टूरिज्म डेस्टिनेशन जैसे पत्नीटॉप और भदरवा और चनासर का भी रुख करते थे, तो ओवरऑल एक लॉसेस बड़े मैसिव हुए हैं, मगर उसके लिए सिर्फ बयान देना और गवर्नमेंट का भी उसके ऊपर काउंटर बयान देना से हल नहीं होगा मसला, इन चीजों को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही क्लेम्स फाइल करने पड़ेंगे ताकि इनका भुगतान हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी।
तो ये थे जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के राकेश गुप्ता। मैं आपको उस रिपोर्ट के बारे में बता रही थी जो कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलीज़ की, और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये तक मेंशन किया है कि एनुअली कश्मीर से जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट होते थे, और एनुअली 2000 करोड़ तक के हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट होते थे जुलाई से लेकर सेप्टेम्बर के महीने तक, क्योंकि ये पीरियड माना जाता था जब एक्सपोर्ट हो जाता था और विदेश के देशों में क्रिसमस पीरियड शुरू हो जाता था, इसीलिए ये हैंडीक्राफ्ट जो हैं एक्सपोर्ट इतनी भारी मात्रा में होते थे। लेकिन क्योंकि सारा बिजनेस जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका था, यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर्स होते थे, इस वजह से जब इंटरनेट बंद कर दिया गया अगस्त 5 के बाद, तो भी कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेजिडेंट का कहना है कि कश्मीर की इंडस्ट्री ने, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ने काफ़ी सफ़र किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये डिसीजन बहुत ही सेंसिटिव टाइम पर आया, जहां पहले ही जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी है वो पहले 2014 के कश्मीर फ्लड्स की बात करें, उसके बाद डीमोनेटाइजेशन की बात करें, उसके बाद जीएसटी की बात करें, तो ऑलरेडी सफ़र कर रही थी। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि टूरिज़्म सेक्टर ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, क्योंकि होटल ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो 10% से भी कम उन्होंने बताया है अपनी रिपोर्ट में। ये कहा है कि जब टूरिस्ट से कह दिया गया उस एडवाइजरी के थ्रू, हालांकि वो एडवाइजरी अक्टूबर 10 के बाद वापस ले ली गई, लेकिन उसके बाद बावजूद भी जो टूरिस्ट फुटफॉल है कश्मीर घाटी में वो बहुत कम रहा, जिसकी वजह से टूरिज़्म सेक्टर में भी जितने लोग काम कर रहे थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। अब उनका ये कहना है कि फ़िलहाल ये जो रिपोर्ट है ये कंपाइल कर दी गई है, लेकिन इसका पूरा मुआयना जो होगा, जो कम्प्लीटली ये कम्प्लीटली फर्निश की जाएगी, वो तब की जाएगी जब इंटरनेट कश्मीर घाटी में चलना शुरू हो जाएगा। साथ ही में हमने आपकी बात करवाई जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राकेश गुप्ता से, जिन्होंने कहा कि गवर्नर से उनकी गुजारिश है कि एक पैनल बनाया जाए जहाँ ये फाइंड आउट किया जाए कि एक्चुअल में जम्मू कश्मीर के जितने भी बिजनेसमैन हैं उन्होंने कितने लॉसेस सफ़र किए हैं। जब इंडिविजुअल लॉसेस को डिटरमाइन किया जाएगा उसके बाद ही उसे कंपनसेट करने का प्रोसीजर जो है वो शुरू किया जाएगा। हाजिर होंगे ऐसे ही लाइव अपडेट्स के साथ, पल्लवी सरीन साइनिंग ऑफ।